दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य इसमें नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई थी। इसके मुताबिक दोस्तों राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। आइए पहले जानते हैं कि आखिर कैसे होता है विधान परिषद का चुनाव और कैसे चुन जाते हैं इसके सदस्य। तो भारत में एक सरकार केंद्र में होती है और एक सरकार राज्य में होती है। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है, जहां पास एमएलए होते हैं। अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा। ये विधान परिषद चुनाव 6 राज्यों में आयोजित किए जाते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी। इन सभी राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिसमें उच्च सदन, जिसमें जो ऊपर वाला सदन होता है उसे विधान परिषद बोलते हैं, और जो नीचे वाला सदन होता है उसे विधानसभा कहते हैं। वहीं भारत के बचे हुए राज्यों में केवल 1 सदन होता है, जिसका नाम होता है विधानसभा। जिस तरह दोस्तों केंद्र सरकार का कानून संसद में बनता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में कानून विधानमंडल में तैयार किया जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है, इसमें 4 प्रकार की संस्थाओं का अहम रोल होता है। सबसे पहला है तो दोस्तों राज्य के एमएलए का। दोस्तों राज्य के एमएलए इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वह केवल 1/3 सदस्यों को चुन सकते हैं। आपको बता दें कि नियम ये है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसी के साथ ये भी नियम है कि विधान परिषद में 40 से कम सदस्य भी नहीं होने चाहिए। दूसरा दोस्तों 1/3 राज्य की स्थानीय सरकारें यानी नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा दोस्तों 1/12 वह छात्र चुनेंगे जिन्हें ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब कि जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके 1/12 करने पर जितने भी संख्या आते हैं ग्रेजुएट छात्रों का, वो छात्र विधान परिषद के सदस्य को चुन सकते हैं। चौथा है दोस्तों 1/12 सदस्यों के चुनाव राज्य के शिक्षक करते हैं। इसमें प्राइमरी में पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ सेकेंडरी मतलब कि अपर क्लास वाले जो टीचर होते हैं वही शामिल होते हैं। इस तरह से दोस्तों एक विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।